चीज़ तो है कि समाज में किसी गरीब के साथ अगर आवाज़ उठाया जाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जो दौलतमंद पूंजीपति लोग हैं उसकी आवाज़ को दबाने के लिए लगा हुआ है। निकलता है और वो इतना डर जाता है कि अपनी गाड़ी दूसरे को लाता है। मैं कहूँगा क्या बिहार में तालिबान का राज चल रहा है? ये कैसे हो, इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है? असल अगर एक्टिव होती, अपना विवेक का इस्तेमाल करता तो आज ये घटना नहीं घटती, दूसरी घटना नहीं। स्वागत है आप सभी को। साकिल मिन्हाज हत्या में किस तरह से प्रशासन का पोल खोल रहा है आप लोगों को देखने को मिलेगा, और गरीब मजदूर लोगों को किस तरह से दबाया जा रहा है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। किस तरह से ग्रामीणों ने बयान दिया है, बहुत ही दर्दनाक बयान है, बहुत ही लाचार अवस्था में है, जो कि हर आदमी को इनका सपोर्ट करना चाहिए और जो साकिल मिन्हाज के हत्यारा है उनको जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा देखिए, पूरा जानकारी जानिए। कि मिन्हाज जब बहादुरगंज थाना SHO के पास जाता है आवेदन लेकर, तो उनकी बहन या कोई है, मैं एक मीडिया में देखा था उनका बयान है कि SHO बहादुरगंज उन्हें कहता है कि ज़्यादा टट्टर करोगे तो उठा के अंदर डाल देंगे, और वह गाड़ी छोड़ के बाहर निकलता है और वो इतना डर जाता है कि अपनी गाड़ी दूसरे को लाता है। मैं कहूँगा क्या बिहार में तालिबान का राज चल रहा है? एक SHO इतनी बदतमीजी कैसे कर सकता है? मानता हूँ कि आवेदन झूठा भी हो सकता है, लेकिन आप कोर्ट नहीं है साहब, आप SHO है, आपको आवेदन लेना था। ये किसकी कमी है? क्या भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने जो कहा था कि जंगल राज आ चुका है, क्या मैं ये बात को मानूं कि जंगल राज आ चुका है? दूसरा मेरा कहना यह है कि जब साकिल की हत्या हुई थी या वो खुदकुशी किए थे, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अगर खुदकुशी भी की थी तो पोस्टमार्टम होना था। और साकिल की बीवी का बयान है कि पुलिस यहाँ तक आई थी, तो क्या संविधान इस बात को क्या कहता है? कानून के मुताबिक बहादुरगंज SHO को जवाब देना चाहिए कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुई। और मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि जो लोग पंचायती में थे, आज उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग पंचायती किस आधार पर किए थे और क्यों किए थे, उनको आकर के बाइट देना चाहिए। अगर उनमें से एक भी आदमी गायब रहा तो मैं समझूंगा कि वो भी संलिप्त है, सब गायब है। आज जितने भी लोग उस पंचायती में मौजूद थे उन्हें माइक ऑन द कैमरा आना होगा और उन्हें बोलना होगा। अगर देखिए आज हमारी समाज में जो इस तरह की घटना होती है, मनोबल क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं जज्बाती हूँ, मैं बोलते बोलते क्या बोल दूँगा, मुझे खुद समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात यह है कि हर मामले को पंचायती में ख़त्म करने का हम वो नहीं करें। ठीक है, हमने पंचायती किया, आइए बात मिन्हाज की हत्या क्यों हुई, क्योंकि पंचायती में जो तय हुआ था वो हो नहीं पाया, फिर हम किस तरह की पंचायती करते हैं? ये सारी चीज़ों पर बहादुरगंज SHO की जो रवैया है, जो उन्होंने किया कि डर से आदमी गाड़ी छोड़ के भाग जाता है, ये इस पर माननीय मंत्री सानामा साहब से, बिहार सरकार से, तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से जो कहते हैं न्याय के साथ विकास करते हैं, ये कैसी न्याय, ये कैसी विकास है, इस पर बात होनी चाहिए। एक SHO जो बहादुरगंज के हैं वो यहाँ नहीं आए, एक बार भी पीड़ित परिवार को आश्वासन नहीं दिए, और उनको फ़ोन करने पर वो क्या कहते हैं कि मेरे यह इलाका का घटना नहीं है, ये घटना किशनगंज का है और धरना भी बहादुरगंज का है, ये कोचा दमन का है। तो आप इस तरह कह के आप निकल जाते हैं, आदमी कहाँ का है, आपका बहादुरगंज का है, मेरा मांग है उससे कि उस SHO को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए या उसको सस्पेंड किया जाए, उस पर भी एक केस होना चाहिए मेरे इससे। देखिए एक चीज़ तो है कि समाज में किसी गरीब के साथ अगर आवाज़ उठाया जाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जो दौलतमंद पूंजीपति लोग हैं उसकी आवाज़ को दबाने के लिए लगा हुआ है। इसलिए हमारे जितने नौजवान हैं यहाँ पर है मौजूद, जो मेरे वीडियो देखेंगे, उनसे गुजारिश करता हूँ, एक गरीब के बच्चे की आवाज़ को आज बुलंद करेंगे, यकीनन जानिए कल आपके लिए कहीं ना कहीं कोई आवाज़ बुलंद करेगा। इसलिए सबों से गुजारिश करता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू से हो प्रशासन पर दबाव बनाए, क्योंकि प्रशासन, जिस तरह से मैंने उस FIR के कॉपी को पढ़ा, जिस बंदे से हम लोगों की नोकझोंक हुई थी, जिससे हमारी बहस हुई थी, या जिस लड़के से बहस हुई थी, जिस थाना प्रभारी से बहस हुई थी, उन्होंने हमारे ऊपर FIR नहीं किया है, उसके एवज में धनपुरा के OP थाना के जो थाना प्रभारी है वीर सिंह, उन्होंने FIR किया, उन्होंने लिखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा है कि मुझे गाली गलौज किया, क्या उनका उसके पास सबूत है, या उन्होंने लिखा है उस FIR में कि हल्ब हथियार के साथ सारे लोग आए थे उस दिन, हम लोग 500 आदमी नहीं बल्कि वहाँ पर 5000 की तादाद में सारे लोग थे, हम लोगों के पास अगर एक भी हथियार उन्होंने दिखा दिया तो हम लोग कभी धरना देना बंद कर देंगे, लेकिन अगर वो हथियार नहीं दिखा पाया तो क्या अपना नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं? इस बात की सवाल बनती है उनके ऊपर, क्योंकि हम लोग तो अब पुलिस का सहारा नहीं चलकर कोर्ट का सहारा लेने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि कल पप्पू यादव जी आ रहे हैं, उनसे भी कुछ बात होगी, आज मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी भी कुछ बात बोले कि हम आश्वासन देते हैं आप लोगों की FIR खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉलिटिक्स एक ऐसी मुद्दा है कि उनमें उनको सिर्फ अपनी जान बचा के निकलने की कोशिश करता है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई हो। इसलिए हमारे जितने लड़कों पर FIR हुआ वो डरने की ज़रूरत नहीं है, या जितने लोगों पर भी हुआ है, क्योंकि इस तरह का FIR आप जब भी आँख उठाएंगे, किसी नज़र से नज़र मिला के बात करने की कोशिश करेंगे, आपकी नज़र को दबाने की कोशिश करेगा, इसलिए हम चाहते
चाहते हैं कि हमारे जितने नौजवान हैं एकजुट होकर और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर, बल्कि बहादुरगंज अलतावारी नहीं बल्कि पूरे बहादुरगंज, पूरे किशनगंज जिला, पूरे सीमांचल को ज़रूरत है मिनाज की आवाज़ को उठाने की। अगर बहादुरगंज पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव होती, अपना विवेक का इस्तेमाल करता, तो आज ये घटना नहीं घटती, दूसरी घटना नहीं घटती। सर, कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, बहादुरगंज पुलिस, उनसे चूक हुई है और हमारी जो समाज है, कहीं ना कहीं हम लोग इस मामले को पढ़ने में हमारा जो समाज है ये चूका है, जिसका नतीजा है कि मिन्हाज की मौत हुई है, मिन्हाज का डेथ हुआ है। हम मजम्मत करते हैं, हम पुरजोर इसका जो है विरोध करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखा आप लोगों ने किस तरह से ग्रामीणों ने बयान दिया, किस तरह से उन्होंने अपना राय दिया। आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो जरूर कीजिए, ताकि आपकी फॉलो हमारी हिम्मत बनते हैं और हमें सच दिखाने की ताकत मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड TV।